हाय फ्रेंड, तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक फॉक्सन का 16 इंची का मॉनिटर है, ऑटोडेली बेस्ट कंडीशन में इस मदरबोर्ड को कैसे रिपेयर करें आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलो देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये फॉक्सन का मॉनिटर है और इसका मॉडल क्या है। यहाँ पे FM16 LED टाइसन ये इसका मॉडल। और इसका क्या प्रॉब्लम है, तो टोटली डेड कंडीशन में है, ठीक है, पूरा डेड कंडीशन में। और ये इसका VGA बोर्ड, इसका और ये पावर बोर्ड, ठीक है। तो पावर जो बोर्ड, यहाँ पे पावर सर्कुलर नहीं हो रहा है, मतलब VGA बोर्ड में कोई भी पावर सेंस नहीं कर रहा है। तो बोर्ड को मैंने चेक किया, पूरा लैपटॉप मॉनिटर को ओपन किया, ओपन करने के बाद देखा कि इसका जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो डायोड है, ये देखिए ये वाला दो डायोड है, ये दोनों शॉर्ट है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और क्या शॉर्टिंग है, क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस दोनों को चेक करवाता हूँ आपको, तो पहचान आ जाएगा कि क्यों कह रहा हूँ कि ये ख़राब है। तो देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये शॉर्टिंग है, क्योंकि कंपोनेंट का जानकारी भी आपका ज़रूरत है। तो ये देखिए ओके कंडीशन का है डायोड, ठीक है। ये कुछ वैल्यू शो करता है, कभी भी नहीं करता है, क्योंकि ये बोर्ड में लगा है, ठीक है। देखिए ये 500 तक वैल्यू शो कर रहा है, और ये वाला जो है D7, ये देखिए पूरा बीप कर रहा है। तो ये पूरा शॉर्टिंग है और शॉर्टिंग की वजह से ये बीप कर रहा है। तो इसको मैं बाहर करूँगा, बाहर करके देखूँगा कि कौन सा डायोड शॉर्टिंग है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इस बोर्ड से बाहर करता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे इसको बाहर करता हूँ। तो दोनों को ही एक साथ बाहर नहीं करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। फिलहाल के लिए एक लेग को ऊपर करेंगे और इसको भी एक लेग को यहाँ पे ऊपर करेंगे। तो टेस्टिंग का जो प्रोसीड्यूर है यही है कि स्टेप बाय स्टेप इसको टेस्ट करो। तो देखिए दोनों लेग ऊपर हो गए और अभी मल्टीमीटर से इसको टेस्ट करेंगे कि कौन सा शॉर्टिंग है। ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ठीक है। तो देखो ये वाला है शॉर्टिंग और ये वाला शॉर्टिंग है। तो इसको, ये वाला जो डायोड है, इसको मैं बाहर करता हूँ। तो ये देखिए इसी वजह से ये जो मोटर है ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, और इसको मैं बाहर किया। और बाहर करने के बाद देखो ये पूरा फुल शॉर्टिंग है। तो अभी इसको रिप्लेस करूँगा। तो अभी देखो सेम वैल्यू का एक डायोड मिला है और एक अभी शॉर्ट है। और अभी इसको अच्छे तरीके से पेस्ट करूँगा और पेस्ट करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अच्छी क्वालिटी का फेस आपको रखना है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप क्या करता हूँ। ओके, फिलहाल के लिए दो MOSFET ही सेम लग गया है। अभी थोड़ा डाइसोल्ट करेंगे और डाइसोल्ट रख करके इसको चेक करेंगे। तो अभी देखो बोर्ड पूरा डायोड चेंज कर दिया हूँ, अभी इसको टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे पावर बटन, तो देखो पावर बटन को दिया और यहाँ पे लाइट ग्लो हो रहा है और इधर डिस्प्ले भी आ गया है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉब्लम था ये टोटली शॉर्ट आउट हो गया है, अभी देख सकते हो, और प्रॉपर वर्क भी कर रहा है, ठीक है। तो वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, गुड बाय।